मानव उत्थान सेवा समिति का 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन 8 और 9 जून को शहर के गोपालपुरा मैदान में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन की जानकारी साझा करने शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मानव उत्थान सेवा समिति से जुड़े सदस्यों ने कई जानकारियां सामने रखी। इसमें कई राज्यों के संतों का समागम भी होगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संत सतपाल जी महाराज के प्रवचनों का लाभ भी श्रद्धालु उठा सकेंगे। और जितने भी महर्षि हुए सबने अपने अंतर जगत में परमपिता परमात्मा की परम ज्योति का ध्यान किया। और हमारे समस्त शास्त्रों का भी यही कहना है, जब परमपिता परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित है उसके ध्यान में हम अपने मन को एकाग्र करेंगे तभी वास्तव में शांति मिलेगी, तभी मानव का चारित्रिक और शैक्षणिक उत्थान होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर देश के कोने कोने में मानव उत्थान सेवा समिति अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। भारत के सभी नगरों में, शहरों में, तीर्थों में मानव उत्थान सेवा समिति की शाखाएं हैं, आश्रम में प्रचार केंद्र हैं, दुर्गा भारत पूर्वी पंजाब नई दिल्ली में मानव उत्थान सेवा समिति का प्रधान कार्यालय है। आपके मध्य प्रदेश के भी सभी जनपदों में, शहरों में मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम है। गुना में भी मानव उत्थान सेवा समिति का आश्रम है। और यहाँ रहकर महाराज जी के निर्देशानुसार महात्मा गांधी साध्वी जन ज्ञान प्रचार करते हैं। हमारे दाहिनी ओर में प्रयागराज से पधारे हुए महात्मा श्री राम बलिया जी हैं और हमारी बाई साइड में आप देख रहे हैं महात्मा और बाईगल, जो कि क्षेत्र में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। ये सब स्थित है।